तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक बार फिर हम जा रहे हैं की जगह का नहीं, धर्मशाला में। और जहाँ पर मैं हूँ संदीप कुमार, अमन और साहिल। तो दो दिन पहले हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन हम प्रॉपर से नहीं कर पाए। तो बट अभी वहाँ पर बारिश हो रही थी, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो इसलिए दोबारा हम कोशिश किया जाने के लिए, क्योंकि हमारा एक नया सॉन्ग भी हमने रेडी किया है, पाप तेनु छड़ना पैना है। तो उसके हमारा मकसद है, मैं पहली बार जा रहा हूँ धर्मशाला में, और वहाँ पर जाकर अपना स्नो भी पड़ी थी, लेकिन एक दो दिन पहले पड़ी थी, बट हमने किया वो। और ये जो सिटी है होशियारपुर है, और जहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह हैं, और हम वेट कर रहे हैं बस का, आ जाएगी दो तीन मिनट में। और हमारा, मैं जैसे कि बता रहा था, हमारा सॉन्ग आया हुआ है, तो सॉन्ग का हम थोड़ा एक तो घूमेंगे और बर्फ में भी घूमेंगे, और एक शूट करेंगे एक सॉन्ग। कोशिश करें कि लगभग दो दिन है हमारे पास, कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा ब्लॉग और अपना सॉन्ग। तो दोस्तों मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, ये रही हमारी बस, जिसमें अभी हम जहाँ तक आ गए हैं। कहाँ अभी पहुँचे हम? कांगड़ा? नहीं, कांगड़ा अभी दूर है। और हमें लगी थी भूख, और जो हम खा रहे हैं खाना, ये रहा साहिल। गगरेट में पहुंचे हैं अभी हम, तो गगरेट का जो है बस स्टैंड। तो कुछ ही मिनट में अभी फिर हम कांगड़ा भी पहुंच जाएंगे, उसके आगे फिर हमें जाना है धर्मशाला। तो मिलते हैं आ गया आपको। तो हेलो दोस्तों, अभी हम देरा में हैं, तो अभी बस चेंज की, यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। ये रहा साहिल। साहिल कैसे हो, ठीक हो आप? मुश्किल हो रहा था सफर, ये ठंड होगी बहुत अभी। और तो दोस्तों चलो, ये मेरे दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में। तो बस 5 किलोमीटर का और रास्ता है, वहां पर आपको जो ऊपर लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहीं पर हमें जाना है, जो कि 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो अभी हमने प्लान बनाया कि चलकर जाएंगे, तो देखते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ये रहे साहिल, आ जाओ हुण, चलिए। तो यार दोस्तों, धर्मशाला का ऊपर से व्यू कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, सो नाइस, ब्यूटीफुल है। पूरे लोग देखिए, लाइटें जग रही है यहाँ पर। 4-5 घंटा अभी दूर है, मकलोड़गंज पहुँच जाएंगे कुछ ही टाइम में हम। दोस्तों कितना अच्छा व्यू लग रहा है, जैसे तारे हों। सभी ये घर हैं नीचे बने हुए लोगों के। हम धर्मशाला के ऊपर जा रहे हैं, धर्मशाला ही है जी, और इसके ऊपर जाएंगे इधर तो मकलोड़गंज आ जाएगा। तो वही जा रहे हैं हम। रास्ते भटक गए, कैसा लग रहा है साहिल आपको? हमें ठीक है, तू थोड़ी तबीयत खराब थी जे भाई हमें मिला आज। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा ज्यादा पड़ी है, बस ऐसा कुछ और टाइम हमें चलते जाना है, और हमारी मंजिल जल्दी हमारे सामने होगी। तो ठंड है बहुत ज़्यादा,
तो देखिए दोस्तों, सुनसान गोलियों में तुरते जा रहे हैं हम, चलते जा रहे हैं। 4 o'clock हो चुका है, हमारी मंजिल अभी भी दूर है। साहिल बहुत थक गया, अमन बहुत थक गया, थक गया हूँ। क्या बात है। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी आगे तक आ चुके हैं हम, अपनी मंजिल के बहुत ही नज़दीक हैं अभी हम, बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं हम। और इधर बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ के, जो कि अभी अंधेरे में हम नहीं देख सकते, बट हमें पीछे से थोड़े दिखाई दे रहे थे, दिन में आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा रूम, ये है बेडरूम, और ये 2 कुर्सी लगी हुई है, ये टेबल है, और ये इधर है, ये रहा बाथरूम। और मैंने देखा बहुत ही पानी ठंडा है इधर, जो वहाँ पर आउटसाइड बालकनी है, सुबह आपको नज़ारा दिखाऊंगा अच्छा वाला। हेलो, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत हमारी बालकनी से नज़ारा है, खूबसूरत पहाड़। तो दोस्तों, कल सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुँचे और बहुत ठंड थी, और फाइनली परमेश्वर की दया से हम ठीक ठाक पहुँच गए। और ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, इन्हीं पर हमें जाना है कल, तो देखते हैं कैसी रहेगी ट्रैकिंग। आप सब, तो अभी हम निकल चुके हैं, आपको वादियाँ ये देखिए। वाह, मैं अमन और साहिल, वादियाँ शूट चल रहा है जहाँ पर, कल रात हम जहाँ पर पहुँचे थे अराउंड 5 बजे, तो अभी इधर हैं। अभी हम टूंडे इलाके में जाएंगे, चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, इस बस में बैठकर हम जा रहे हैं अभी उधर चर्च की ओर, तो उधर थोड़ा शूट लूँगा मैं गाने का, तो उसके बाद में हम फिर वहाँ पर ट्रैकिंग पर जाएंगे। लीजिए दोस्तों, चर्च में हम पहुँच चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं अभी। तो वो रहा सामने चर्च, कहता कैमरागराफर मैं हाँ। तो दोस्तों, ये जो चर्च है बहुत ही फेमस है, और कई गाने यहाँ पर शूट हो चुके हैं, और बॉलीवुड फिल्में भी यहाँ पर उनकी भी शूटिंग हो चुकी है। और मैं आज आया हूँ यहाँ पर पहली बार, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, पीसफुल प्लेस है, अच्छा लग रहा है परमेश्वर के घर आकर। तो ये रहा दोस्तों वो चर्च, दोस्तों कितना बड़ा पेड़ है ये। Thank you.
बार ले आ गया मेरा नहीं। हाँ बिना बिना फिल्टर तो दुनिया देखिए दोस्तों परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाए हुए हैं। वाह सो ब्यूटीफुल कितना खूबसूरत है वो देखिए बादलों के बीच में है वो पहाड़। दोस्तों बकरी ऊपर चलो ताड़ा काम हो जाए ट्रैकिंग दा करो फिर करो भाई करो ट्रैकिंग करो चलो तो देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत वादियाँ वाओ सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल बादलों के ऊपर बस पहुंच जाएंगे कुछ टाइम में। तो लीजिए दोस्तों हम जा रहे थे ऐसे ही और हमारे कुछ भाई लोग मिले हमारी जगह से ही हरपुर से। क्या है भाई? सागर। सागर इधर से इधर होगा थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या भाई? आकाश है भाई। आकाश सनी पाजी। तो जी हमको मिले हैं तो हम शूट कर रहे थे गाना हमारा नया तो इन्होंने देखते देखते हमसे कुछ सेल्फी वगैरह ली और ये रहा आपको अच्छा सा नज़ारा दिखाते हैं। अच्छा। वो रही है ये कितना खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया हुआ है पहाड़ नदियाँ नाले क्या बात है बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर आप देख सकते हैं बादल भी कितने बने हुए परमेश्वर की दया से सब कुछ ये रचा बना। वाह क्या वादियाँ हैं। लगभग दोस्तों ये बहुत ऊंचाई पर है और हम लोग ऑलमोस्ट कितना ऊपर आ चुके होंगे हम क्या लगता है आपको? 150 मीटर अपने 150 मीटर शिवा कैफे से खतरनाक रास्ते देखिए थोड़ा छोटा सा रास्ता है किसी का पैर फिसल गया तो नीचे जाएगा सीधा इसलिए बहुत ही ध्यान से जाना पड़ रहा है हमें। गाइज संदीप भाजी दे 4 अंतरे पूरे हो चुके शूट दे गाने शूट दे ते हुण 5वें लई तैयारी तैयार भाजी होण डे आ। वाह देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर तेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ वेलियम
ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे। तो दोस्तों गाने वगैरह गा के अभी हम पहुंच गए थोड़ा और ऊपर, और अब तो जहां पर मैं हूँ कैफे के, एक कैफे है बहुत ही खूबसूरत सा, तो जहां पर हूँ मैं अभी, और है बादल, धुंध पड़ी हुई है, बादल है वहाँ, ये रही बर्फ पड़ी हुई, और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा, सूरज अभी सनसेट हुआ ही है अभी बस, और ये रहे हमारे भाई लोग इधर, बहुत ही खूबसूरत अच्छी वादियाँ। मैं भी चाहूँगा दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर आएँ, कि देखिए अभी थोड़ी बर्फ़ और गिरी थी, ये रही बर्फ़ गिरी अभी इतनी। कुछ खाएंगे अभी हम, क्योंकि हमें अभी थोड़ी लग गई है भूख, थोड़ी ये बोलता है थोड़ी लगता है, इसलिए बहुत है। सुबह का कुछ खाया नहीं, मैंने तो उनको बोला था खा लो, बट इन्होंने कुछ खाया नहीं, आपने खिलाया नहीं, इन्होंने खाया नहीं, मैंने खिलाया इन्होंने। ये होता है हेल्दी और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल, देखिए फ्रूट्स और एनवायरमेंट, वाओ ग्रेट। देखिए दोस्तों बादल बहुत ही नजदीक, आप कुछ साहिल कहना चाहेंगे इस ट्रिप के बारे में? नो क्यों? आई डोंट नो। अमन कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? साहिल आपको? पीसफुल जगह। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी जगह है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार जरूर आइए, विजिट कीजिए और इनियों का लुत्फ उठाइए। क्या बात है, देखिए अभी हमारे सामने बर्फ पड़ी अभी, बट हमारा प्लान था वहां ऊपर जाने का, बट वहां पर आदमी लोग पैसा लेने लगे, और एक तो बात यह है कि थोड़ा सा हमने अपना टाइम जो है कि शूटिंग में लगा दिया, और इसलिए हमारे पास टाइम बहुत कम बचा, क्योंकि ऊपर जाने में भी टाइम लगता है और नीचे आने में भी, तो इसलिए हमने अभी अवॉइड कर दिया, अभी थोड़ा खाना वगैरह खा के हम नीचे जाएंगे और अपनी फिर जर्नी शुरू करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ रहिए और मेरे साथ साथ आप भी इस जगह का लुत्फ उठाइए, तो मिलते हैं दोस्तों ठहर के खाना खा के।